हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 5 लेसन चलेंगे क्या चीज़ का, हिस्ट्री का। हिस्ट्री में है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में बोल रहा है 1769, ऑप्शन बी बोल रहा है 1770, ऑप्शन सी बोल रहा है 1773, ऑप्शन डी बोल रहा है 1775। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेफी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन बी बोल रहा है जॉन के, ऑप्शन सी बोल रहा है क्रॉम्पटन, ऑप्शन डी बोल रहा है हम्फ्री डेवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1815, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1914। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1851। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1851। हम इस चैप्टर का हेडलाइनिंग नहीं बताए हैं, आप लोग हेडलाइनिंग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते 5 नंबर, 5 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1907, ऑप्शन बी बोल रहा है 1914, ऑप्शन सी बोल रहा है 1916, ऑप्शन डी बोल रहा है 1919। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1914। 6 नंबर क्या बोल रहा है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में क्या 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1919। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1907। नेक्स्ट 7 नंबर क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राय आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1838, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1932। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1885। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 9 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1920। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1920। चलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्या, कि 10th वाला जो एग्जाम है उसमें ज्यादा करके डेटिंग का ही आता है, डेटिंग का ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सुनिएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1838, 1858, 1881, ऑप्शन डी में 1911। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1881। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया, एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। हम बताए थे एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए वो रहा है फर्स्ट में, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1907, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1919। इसका अभी हम आंसर जस्ट बताए हैं, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1910, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1962। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1910। 3 नंबर क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन सुनिएगा, ए में क्या बोल रहा है 1948, बी बोल रहा है 1919, सी बोल रहा है 1926, डी बोल रहा है 1947। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1919। चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से हुई। ऑप्शन सुनिएगा, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इंग्लैंड में। औद्योगिकरण क्या है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर बोल रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है 1916, ए में है, बी में 1918 है, सी में 1922 है, डी में 1923 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1916। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1851, ऑप्शन बी सुनिएगा 1885, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1914। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1851। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। ये अभी हम जस्ट बताए थे इसका आंसर, 1907। कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर बोल रहा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए में सुनिएगा हम्फ्री डेवी, ऑप्शन बी क्रॉम्पटन, ऑप्शन सी जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन डी जॉन के। इसका भी हम आंसर बताएं तो आप कमेंट कीजिएगा। 9 में बोल रहा है, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में बोल रहा है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी कुटीर एवं लघु उद्योग, ऑप्शन सी लघु उद्योग, ऑप्शन डी कोयला उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी
कुटीर एवं लघु उद्योग। 10 नंबर क्या बोल रहा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स हार्ग्रीव्स। 11 नंबर क्या बोल रहा है, 1838 में चार्टरिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, ऑप्शन ए में सुनिएगा लंदन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंदन। 12 नंबर क्या बोल रहा है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, तो ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में बोल रहा है क्या 1929 में हुआ, 1920 में हुआ, 1926 में हुआ, 1881 में हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1926। 13 नंबर क्या बोल रहा है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई, ये आप आंसर दीजिएगा जब बुक में आप पढ़िएगा, ये 5 नंबर मतलब 5 चैप्टर का जब पढ़िएगा बुक तो पता चलेगा, ठीक है। 14 नंबर में क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मतलब सबसे पहले किसने किया था औद्योगिक क्रांति का प्रयोग, तो ऑप्शन ए में सुनेगा आंसर ट्रेनन ने, बी में रॉबर्ट ओवेन ने, सी में लुई ब्लवा ने, डी में सेंट साइमन ने, तो इसका राइट आंसर हो गया सी लुई ब्लवा ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, ये भी हम बताए थे इंग्लैंड में। 16 नंबर क्या बोल रहा है, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया, वाष्प इंजन, तो ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में बोल रहा है 1762, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन 1764, ऑप्शन डी 1765, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बोलो सॉरी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, 17 नंबर क्या बोल रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ, जो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था वो कौन सा उद्योग से हुआ था, ऑप्शन ए में सुनिएगा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी में सुनिएगा लौह उद्योग, ऑप्शन सी में खदान उद्योग, ऑप्शन डी में परिवहन उद्योग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वस्त्र उद्योग। चलिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया, जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था, वाष्प इंजन का, कमेंट कीजिएगा आप। 19 नंबर बोल रहा है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, ऑप्शन ए में सुनिएगा जेम्स हार्ग्रीव्स ने, बी में जॉन के ने, सी में रिचर्ड आर्कराइट ने, डी में एडम कार्टराइट ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जॉन के ने बी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष की, यहाँ डेटिंग का सबसे ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट में क्या 1919, सेकेंड में 1920, थर्ड में 1935, फोर्थ में 1945, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1921। 21 नंबर बोल रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब मिला, 1928 में, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया 1928। 22 नंबर बोल रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन ए में सुनिएगा 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1920, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया डी 1920। 23 नंबर बोल रहा है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किसने किया आप कमेंट कीजिएगा। 24 नंबर बोल रहा है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष हुआ, ऑप्शन सुनिएगा ए में 1838, बी 1858, सी में 1881, डी में 1911, इसका राइट आंसर क्या हो गया 1881। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष प्राप्त हुई, न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए में सुनिएगा 1881, 1826, 1947, 1948, सॉरी 1926 था, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया डी 1948। 26 नंबर बोल रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ, ये हम अभी जस्ट बताए थे, ये आप कमेंट कीजिएगा। 27 नंबर बोल रहा है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, ऑप्शन ए में सुनिएगा सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन बी वाद्य इंजन का, ऑप्शन सी पावर लूम, ऑप्शन डी पर लाइट शटल का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वाद्य इंजन का। 28 नंबर बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की, गुमास्तों का अर्थ क्या होता है आप कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन ए में सुनिएगा लगान वसूलने के लिए, ऑप्शन बी में है कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी में है बुनकरों पर नियंत्रण करने के लिए रखने के लिए, ऑप्शन डी में क्या है गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, बुनकरों का भी क्या होता है ये आप कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर बोल रहा, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, ऑप्शन ए में सुनिएगा बिहार, ऑप्शन बी में बंगाल, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर क्या हो गया बंगाल। 30 नंबर क्या बोल रहा,
भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आयुक्त नियुक्त किया और उसका प्रावधान किसे बनाया? ऑप्शन ए में सुनिएगा, इब्राहिम रहीमतुल्ला, बी में रहमत अली, सी में शेख अब्दुल्ला, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? इब्राहिम रहीमतुल्ला। 31 नंबर क्या बोल रहा है? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में सुनिएगा 1854, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1914। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 1854। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई है? कमेंट कीजिएगा। 33 नंबर बोल रहा है, 1930 से 40 ईस्वी के दशक में न्यू कहां द्वारी का नाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी? ऑप्शन ए में सुनिएगा, बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए बंगाल। चलिए 34 नंबर है, विश्वेश्वरीय आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? ऑप्शन ए में सुनिएगा, गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्या बोल रहा है? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में सुनिएगा 1910, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1962। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1910। चलिए